रायपुर में आयोजित राज्योत्सव अब 6 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का हुआ समापन। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने नौसेना अधिकारियों से समुद्री क्षेत्र की उभरती चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्षमता विकास पर ध्यान देने को कहा। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए भाजपा कर रही है विधानसभा स्तरीय बैठकें। और देव उठनी एकादशी का पर्व राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित राज्योत्सव अब 6 नवंबर तक चलेगा। वहीं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री बघेल ने कहा कि आदिम संस्कृति सभी को जोड़ने का कार्य करती है और उसके सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। सब साथी में भाग भी लेने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तो सब देश विदेश के कलाकार मन अपन भाग ले थे, लेकिन साथ साथ ये पंडाल के बाहर भी अपने बहुत कलाकार मन अपन कार्यक्रम दे थे और कलाकार मन कार्यक्रम दे थे जे दिया दर्शक के रूप में सब लोग मनाए वो मन खूब नृत्य संगीत के आनंद ले के खूब बधाई खूब शुभकामना। वहीं अपने संबोधन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल छत्तीसगढ़ में ऐसे वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं जिनका सदियों से शोषण हुआ है। उनकी सरकार आदिवासी, दलित और पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही सबके विकास के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने मुख्यमंत्री श्री बघेल के साथ विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। नृत्य स्पर्धा में फसल कटाई की श्रेणी में पहला स्थान छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को मिला। वहीं दूसरे स्थान पर ओडिशा के ढेंगसा नृत्य को और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को पुरस्कृत किया गया। विवाह संस्कार और अन्य श्रेणी में पहला स्थान सिक्किम को, दूसरा स्थान ओडिशा को और तीसरा स्थान झारखंड को मिला। विशेष ज्यूरी सांत्वना सम्मान पुरस्कार असम को और गुजरात को मिला। इसके अलावा विदेश से आए कलाकारों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी पुरस्कृत की गई। पहला स्थान कृषि विभाग को, दूसरा स्थान ऊर्जा विभाग को और तीसरा स्थान वन विभाग को मिला। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना अधिकारियों से समुद्री क्षेत्र की उभरती चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्षमता विकास पर ध्यान देने को कहा है। रक्षा मंत्री ने कल नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन के समापन दिवस पर वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने हाल के वर्षों में स्वदेशीकरण और नवाचारी प्रयासों के लिए नौसेना की सराहना की तथा स्वदेश में निर्मित पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लिए नौसेना को बधाई दी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संचालनगत तैयारियों और सशस्त्र सेनाओं के बीच समन्वय पर बल दिया।
भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांकेर के चारामा ब्लॉक में भाजपा ने विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, कांकेर के सांसद मोहन मंडावी और विक्रम उसेंडी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। श्री साव ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और लगातार जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की जाती है। हमेशा तैयार रहती है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो लगातार, याद होगा आपको जब कोरोना काल में सारे राजनीतिक दल लॉकडाउन में थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा कर रहे थे अपने जान को जोखिम में डालकर। लगातार भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रहती है और चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार रहते। श्री साव ने दावा किया कि 11 नवंबर को बिलासपुर में होने वाली महतारी हुंकार रैली में करीब 1,00,000 महिलाएं शामिल होंगी। इस सिलसिले में भी विधानसभा स्तरीय बैठकें ली जा रही हैं। महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए संचालित बिहार योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कारगर साबित हो रही है। आइए धमतरी जिले में महिला समूह की सफलता की कहानी से रूबरू होते हैं। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित रुद्री गांव की महिलाएं गीतांजलि समूह बनाकर अगरबत्ती बना रही हैं। 11 सदस्य वाले इस समूह ने धमतरी के बड़ौदा आरसी सेठी से इस कार्य का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद बिहान योजना के तहत बैंक से 1,00,000 रुपए का लोन लेकर ये काम शुरू किया। करीब 2 साल पहले शुरू किया गया यह काम अब सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। इस काम से न केवल महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं बल्कि उनके परिवारों में भी संपन्नता आई है। समूह के अध्यक्ष टिकेश्वर साहू और सचिव सुनीता वर्मा के साथ अन्य सदस्य खुश हैं कि इस काम से उन्हें जीने का नया नजरिया मिला है। और अगरबत्ती मशीन लिए हैं लोन लेकर बैंक से और हम लोग बिक्री करते हैं। पहले तो हम लोग जा कर बेचते थे, अब स्वयं आकर खरीदते हैं हम लोगों के पास से। हम लोग बिहान से जुड़े हुए हैं और देना बड़ादार सिटी में जाकर के हम लोगों ने प्रशिक्षण लिए हैं। पिछले 2 वर्षों से हम लोग अगरबत्ती बना रहे हैं और अगर हम लोग इस मशीन लिए हैं, हम लोग 1,00,000 रुपये लागत लगाए हैं और अभी फिर हम लोग 2 साल हो गया बनाते हुए। इनसे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, जिससे हम लोग अपने बच्चे अपने छोटे छोटे से ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। पहले पैसा घर वालों से पहले पैसा मांगते थे, लेकिन अब मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हम लोग अपने से खुद कमाई कर रहे हैं। मतलब अगरबत्ती भी बना लेते हैं ना, और खेत खार भी काम करते हैं। अब अगरबत्ती में ना बहुत अच्छा काम चल रहा था, अब खेती किसानी ज़्यादा नहीं चलता, अब हमारे घर वर के खर्चा पानी ठीक ठाक चलते। इस समूह की महिलाएं पहले एक दिन में 10 से 15 किलो अगरबत्ती बनाती थी, लेकिन अब हर रोज 30 से 35 किलो अगरबत्ती बनाती हैं। इनकी बनाई अगरबत्ती की अच्छी खासी मांग है और आसपास के गांव के लोग खुद ही आकर खरीद लेते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला पर्व देवउठनी एकादशी आज पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे लेकर बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। इस दिन गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी विवाह करने की मान्यता है। भिलाई में भी लोगों ने गन्ने और पूजन सामग्रियों की खरीदी की। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित नर नारायण मंदिर में भक्तजन भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर के पुजारी पंडित देवदत्त शास्त्री ने बताया कि भारतीय संस्कृति में एकादशी का विशेष महत्व है और मान्यता के अनुसार आज शालिग्राम और तुलसी विवाह के साथ ही रुके हुए सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी के दिन विश्राम से उठते हैं, इसलिए इसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। और आज के दिन से तुलसी विष्णु विवाह होता है, इसके बाद में दीप दान करते हैं लोग, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे गृह प्रवेश है, विवाह इत्यादि कार्य शुरू हो जाते हैं। लोग सरोवर में जाके दीप दान करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे चराचर को आशीर्वाद प्रदान करें। वहीं कबीरधाम जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण अंचलों में भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। चौक चौराहों में और बाजारों में पूजन सामग्री और गन्ना बेचने वालों की खूब बिक्री हो रही है। मंदिर पहुंची एक महिला श्रद्धालु ने इस पर्व से जुड़ी लोक कहानी का जिक्र किया। जी, संशोधन नाम असुर की पत्नी थी, जिसे
शंकर जी उनको मारना चाह रहे थे, लेकिन इसका पता चला शिव विष्णु भगवान को, और तुलसी जी को भी पता चला तो तुलसी जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से विष्णु भगवान सालिग्राम जी का रूप ले लेते हैं और तुलसी एक पौधे के रूप में होती है, जिसका विवाह सालिग्राम जी के साथ किया जाता है, एक पत्थर के रूप में किया जाता है, जिसमें श्राप भगवान तुलसी माता को भी मिला हुआ था, जिसके कारण पौधे के रूप में और एक नदी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। प्रदेश के अन्य जगहों पर भी मंदिरों और घरों में तुलसी और शालिग्राम के विवाह के कार्यक्रम संपन्न कराए जा रहे हैं। और अब बैडमिंटन। राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोरबा में किया जा रहा है। 6 नवंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 जिलों के 398 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 13 वर्ष से 17 वर्ष तक के बालक बालिका वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विजेता खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। 19 जिले मान्यता प्राप्त हैं, उनमें से 16 जिलों की टीमें आ चुकी हैं और उससे करीब 398 एंट्रीज हैं हमारे पास और उनके बच्चे फिर रहे हैं। अभी क्वालिफाइंग मैच चल रहे हैं, दूसरे उसके बाद 5 और 6 को सेमीफाइनल चालू होंगे, 5 को फाइनल मैच हमारे 6 तारीख को होंगे। खिलाड़ियों ने बताया कि भविष्य में वे बेहतर खेल का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय और फिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने का लक्ष्य रखकर प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। खेल रहा हूँ और यहाँ मतलब खाने वाने का भी अच्छा से है, जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा है। 5 दिवसीय स्पर्धा बीते 2 नवंबर से शुरू हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक इसे डीडी नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे देख सकते हैं। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर में आयोजित राज्योत्सव अब 6 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का हुआ समापन। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने नौसेना अधिकारियों से समुद्र क्षेत्र की उभरती चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्षमता विकास पर ध्यान देने को कहा। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए भाजपा कर रही है विधानसभा स्तरीय बैठकें। और देव उठनी एकादशी का पर्व राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।